नमस्कार, मैं हूं आरती और आप जुड़ चुके हैं न्यूज बायोस्कोप के साथ। आस्था का एक ऐसा केंद्र जहां दूर दराज से लोग आते हैं माता के दर्शन को लेकर, मंदिर के दर्शन को लेकर। आज हम वहीं पहुंच चुके हैं। जी हां, हम पहुंच गए हैं देवड़ी मंदिर में। हम आपको सबसे पहले मंदिर का दर्शन करवाएं कि ये मंदिर अपने आप में आस्था का केंद्र है। इसके कलाकृति को देखिए कि कैसे मंदिर के गुंबज के ऊपर भगवान की जो प्रतिमा है उसको उकेरा गया है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश समेत कई अन्य भगवान की भी जो प्रतिमा है उसको गुंबज के ऊपर उकेरा गया है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ओडिसी कलाकृति का ये मंदिर नमूना है। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इस मंदिर का जो ख्याति है वो देश ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। और दूर दराज से लोग आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और माता के दर्शन से जो अनुभूति होती है वो कहना बहुत ही मुश्किल है। तो हम आपको अभी मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं और माँ देवड़ी का मंदिर है ये। और कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि अगर जो भी भक्त आस्था के साथ सच्चे दिल से कुछ भी माता से मांगते हैं तो माता उनकी मुरादें जरूर पूरा करती हैं। ऐसे तो कहा जाता है माँ जगत जननी होती हैं, माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, माँ अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देती हैं। अगर वहीं लोग आते हैं यहाँ पे सच्चे मन से माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं तो माँ उनकी मुरादें जरूर पूरा करती हैं। हम माँ के अंदर की जो प्रतिमा है उसको दिखाएंगे कि माँ के अंदर 16 भुजाओं वाली माँ काली की प्रतिमा है। कहते हैं कि माता के दर्शन से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। और जो भी सच्चे मन से माँ की दरबार में आते हैं उन्हें सब कुछ माता जरूर देती हैं। और इसी के साथ अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र यानी माता का दिन, माता के भक्तों का दिन। और इसी को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है देवड़ी मंदिर में। देवड़ी मंदिर का तो नाम आपने सुना ही होगा, अपने आप में अलौकिक है और यहाँ की जो महिमा है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और जो भी कुछ सच्चे मन से माता से यहाँ आकर मांगता है, माता के दरबार में हाजिरी लगाता है, माँ उन्हें पूरा करती हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरा करती हैं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 16 भुजाओं वाली माँ काली का मंदिर है जो अपने आप में अलौकिक है। अगर माँ के दर्शन आप कर लें तो उन दर्शन को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल होगा। हमने अभी माँ का दर्शन किया और सबसे पहले हम आपको एक बार मंदिर दिखा दें, मंदिर की कलाकृतियों को दिखा दें। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो काफ़ी प्राचीन है और इसका जो कलाकृति है ये ओडिसी कलाकृति में ये मंदिर बनाई गई है। हम आपको मंदिर के गुंबज का दर्शन करा रहे हैं जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। और ये जो मंदिर है और यहाँ की जो महिमा है वो लोगों को खींच कर यहाँ लाने पे मजबूर कर देती हैं, क्योंकि यहाँ माता काली का 16 भुजाओं वाली मूर्ति है जो अपने आप में अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि जो भी कोई भक्त श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, सच्चे मन से माता से मुरादें मांगते हैं, माँ उनकी मुरादें जरूर पूरा करती हैं। और अभी तो नवरात्र चल रहा है, माता का दिन, और देखिए कैसे मंदिर में भक्तों की कतार लगी है और लोग एक एक करके माता का दर्शन कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से मुराद मांग रहे हैं। तो हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, नवरात्र चल रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या कुछ मनोकामना लेकर वो आ रहे हैं? देखिए, नवरात्र को लेकर तो मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, इसी को लेकर श्रद्धालु अपने जो भी मनोकामनाएं हैं वो लेकर माँ के दरबार में आ रहे हैं और माँ हमेशा उन भक्तों का मनोकामना पूर्ण करेंगे। पंडित जी, कहते हैं कि जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है, तो सबसे पहले आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी, यह मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है। यह मंदिर बताई जाती है कि इतिहास में कि मंदिर यह 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच है। यहाँ पर जो माँ की प्रतिमा स्थापित है ये काफ़ी प्राचीन है और ये माँ 16 भुजी माँ दुर्गा देवी के नाम से जानी जाती है। माँ 16 भुजाओं से विराजमान है। यहाँ हर जगह आप देखेंगे कि माता अष्टभुजी 10 भुजी होती है, लेकिन माँ यहाँ 16 भुजी है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं माँ अपने 16 हाथों से वरदान देती है और उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, जैसे पंडित जी अभी अपने मंदिर के बारे में बताया, माता के मूर्ति के बारे में बताया, तो ये जो कलाकृति है ये काफ़ी आकर्षित करती है लोगों को, ये थोड़ा अलग है, विहंगम दृश्य यहाँ का, तो जो मंदिर की कलाकृति है आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये मंदिर में जो अभी कार्य चल रही है, अभी भी कार्य आरंभ ही है,
इस मंदिर में जितने भी कार्य मैंने कलाकारी कर रहे हैं वे लोग सब बाहर उड़ीसा से आए हुए हैं और उड़ीसा के तर्ज पे यहाँ पर कलाकृति कर रहे हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की छोटी छोटी, इसमें पूरा गुंबज में 64 कोटि देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। अच्छा पंडित जी, जैसे ये जो मंदिर है, अभी आपने बताया कि अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं माता से सच्चे मन से जो भी कुछ मांगते हैं माँ उनकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो आप श्रद्धालुओं को या फिर लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस मंदिर में आएँ या फिर कैसे माता के दर्शन करें, माता की पूजा अर्चना करें, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है। जो भी श्रद्धालु इस नवरात्र के दौरान आना चाहते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ को लेकर थोड़ी काफ़ी मकसद करनी पड़ती है, लेकिन श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करूंगा कि माँ के दरबार में आएँ, थोड़ा परिश्रम भी करें, तभी बोला जाता है ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है। इसीलिए जो भी भक्त आएँ थोड़ा माँ के दरबार में समय दें और माँ नवरात्र के दौरान जरूर माँ का दर्शन करें। अच्छा पंडित जी, एक मान्यता और है कि जो भी कुछ माँ से मुरादें मांगते हैं माँ उनकी मुराद पूरी करती हैं। एकदम अवश्य, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं माँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती है। जो भी भक्त सरसे श्रद्धा से माँ के आशीर्वाद मांगने आते हैं माँ अवश्य उनकी मनोकामना पूरी करती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि कैसे माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और जो भी कुछ सच्चे मन से मांगते हैं माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं अपने भक्तों को, तो यहाँ पे उन्हीं से जानेंगे। मैम, अभी नवरात्र चल रहा है, आप माँ के दरबार में आई हैं पूजा करने, क्या कुछ मनोकामना लेकर आई हैं आप? मैं हर साल आती हूँ और आस्था है मुझे यहाँ, जो भी मतलब मांगते हैं वो जरूर मिलते। माँ देवड़ी मंदिर का दर्शन कराया, अंदर जो माँ की प्रतिमा है उसका दर्शन कराया और दर्शन मात्र से आपको भी जो अनुभूति होगी आप भी वो बयान नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी सच्चे मन से माता से कुछ मांगते हैं तो माता जरूर पूरा करती है।